नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोटमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है ये ऐसे कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो कि अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में इतना समय नहीं है, हम ये चाहते हैं कि बहुत कम समय में शादी हो जाए हमारी। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है आज इसी बिंदुओं के ऊपर मैं आज आपको पूरी जानकारी अवश्य देने वाला हूँ। तो आप दोस्तों ये वीडियो हमारी लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस भी आप लोग देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि जो कपल्स बालिग हो चुके हैं और जिन कपल्स ने अपनी कोर्ट मैरिज करने का, अपनी लव मैरिज करने का डिसीजन ले लिया है कि अब वो लोग अपने एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, पति पत्नी बनना चाहते हैं और एक साथ लीगली हस्बैंड वाइफ बनकर वो लोग साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी समस्या उनके सामने यह भी होती है कि वो लोग ये चाहते हैं कि उनके पास में इतना समय नहीं है और वो एक ही दिन के अंदर अपनी शादी करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक दिन में जो ऐसे कपल्स हैं जो बालिग हो चुके हैं, जैसे कि जो अभी लड़कियों की जो शादी करने की आयु है वो अभी 18 वर्ष ही है और जो लड़कों की जो बॉयज़ हैं उनकी जो शादी करने की आयु है वो कम से कम 21 वर्ष ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों एक दिन में जो शादी होती है वो गाजियाबाद में होती है जिसमें कि मात्र 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो आप सैटरडे संडे को छोड़कर मंडे टू फ्राइडे आप किसी भी दिन आप अपनी शादी करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए आ सकते हैं और वहां पर सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही समय लगता है। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, जैसा कि काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जब कोर्ट मैरिज करने जाएंगे तो वहाँ पर कोई 25,000, 30,000 या 40,000 रुपये आपकी शादी का खर्चा आएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत सस्ते में, बहुत कम पैसों में वहाँ पर गाजियाबाद में आपकी शादी हो जाती है और वहाँ पर आपका इतना कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने जैसे कि YouTube पर अगर किसी और की भी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमें कपल्स फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमने कहीं पर वीडियो देखकर हमने फ़ोन किया था तो उन्होंने हमें गवाहों के, कि अगर आप विटनेस अगर वहां से लेंगे उनके यहां से तो गवाहों के 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपये वो आपसे मांगते हैं गवाहों के, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं आप लोगों को दोस्तों यही मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे गवाहों के 4,000, 5,000, 6,000 रुपये अगर मांगता है तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास में आप लोग अपनी शादी करने के लिए बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि कई सारे लोग दोस्तों ऐसे भोले भाले कपल्स को सिर्फ और सिर्फ गवाहों के नाम पर वो ठगते हैं और गवाहों से वो फिर उनके अनाप शनाप पैसे मांगा करते हैं। फिर वो उनसे बोलेंगे कि अब गवाह आएंगे, उनके उनका किराया भाड़ा दीजिए आप, उनकी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा दीजिए, उनके खाने का खर्चा दीजिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, गवाहों के कभी भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो आप लोगों को एक अच्छी सलाह देना और एक सही जगह का आप चुनाव कर पाएं कि आप लोग अपनी शादी करने के लिए एक सही जगह का चुनाव कैसे करें। और यही मैं आपको दोस्तों हमेशा सलाह देता हूं कि यह डिसीजन आपका है, ये जीवन आपका है दोस्तों, तो आप लोगों को ये डिसीजन लेना है कि आप एक सही जगह कोर्ट मैरिज करने के लिए कहां पर जा सकते हैं। तो दोस्तों और अगर आप गाजियाबाद में अगर अपनी कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप लोग अपना प्लान कीजिएगा, क्योंकि कई सारे कपल्स हमारे पास में ऐसे होते हैं जो सैटरडे को आ जाते हैं लेकिन दोस्तों सैटरडे को गाजियाबाद में मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और संडे को भी नहीं होता है। तो आप लोग आने से पहले ये सुनिश्चित अवश्य कीजिए कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप लोग अपनी शादी करने के लिए गाजियाबाद में आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा और यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े अगर आपके कुछ और सवाल हैं या आप कोर्ट मैरिज करने की कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप समय अवश्य देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ में आप लोग शेयर जरूर कीजिए जिससे कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपके मित्रों की जानकारी भी अपडेट रहेगी। तो इसी प्रकार दोस्तों आप कोटमारी ऑफिस को आप प्यार देते रहिए और हम निरंतर लगातार दोस्तों आप लोगों के लिए नई नई